हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज हमारे यहाँ होने वाली है न्यू वर्ना की लॉन्चिंग, तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं न्यू वर्ना कैसी है बाय लुक बाय फीचर्स। सो मॉर्निंग से ही डेकोरेशन का पूरा काम जो है हो रहा था, बलून वाले आके बलून लगा गए और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेट कर दिया है। और हम लोग ने गाड़ी के ऊपर ये कपड़ा डाल के रख दिया है कि जब भी अभी जो है कस्टमर जब आ जाएंगे और जो हमारे गेस्ट हैं वो आ जाएंगे उसके बाद में अनवील करेंगे। फ्रेंड्स, आज का मौसम इतना अच्छा हो गया था, मैं बाहर आई कैप्चर करने के लिए, आंधी चल रही थी, उसके बाद बहुत बारिश हुई। धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, काफ़ी कस्टमर्स को हम लोग ने इनवाइट किया था और कुछ मैनेजर्स थे बैंक के, उनको भी आना था, उन्हीं से केक कटिंग सेरेमनी होगी। और ये देखिए सीज़र को हम लोग ने सजा लिया है और उसके बाद में सबसे पहले अनवीलिंग होगी, उसके बाद में फिर जो है केक कटिंग का प्रोसेस होगा। और भीड़ आप देख सकते हैं, हमने मोस्टली 50 लोगों को हमने इनवाइट किया था, जिसमें क्योंकि बारिश होने लगी इस वजह से थोड़े से लोग कम आए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है लखनऊ में। और केक का लुक देखिए, केक कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमने जो फ़ोटो सेलेक्ट की थी उस पर ये लाइट ऐसी जलती हुई है। अनवीलिंग तो हो गई फ्रेंड्स, मैं इतना कोशिश कर रही थी कि एक प्रॉपर शॉट लूँ पूरी वरना का, बट इतनी भीड़ थी कि कैमरा ऊपर कर रही थी पर वो शॉट पूरी तरीके से नहीं आता। हैव अ लुक न्यू वरना कैसी लग रही है। और यहाँ लॉन्च हो चुकी है ये वरना, मिलते हैं फिर आफ्टर केक कटिंग। तो केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई और यहाँ पर ये हमारे दो कस्टमर्स हैं और दो बैंक के मैनेजर्स हैं, आई थिंक SBI बैंक के हैं, आई एम नॉट श्योर। और ये देखिए हमारी न्यू वरना, इसका मैंने एक बाद में जब भीड़ कम हुई उसके बाद एक वीडियो शूट किया। बाय लुक ये फ्रंट से काफ़ी चेंज हो गई है, इसकी ग्रिल भी बिल्कुल डिफरेंट है पहले से, और इसका जो बोनेट है वो थोड़ा सा और डाउन है आप देख सकते हैं। और जो है एलॉय देखिए डायमंड कट कितने खूबसूरत लग रहा है। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा वो उसका बैक था फ्रंट, बैक इतना खूबसूरत है, डॉटेड लाइट्स जो है दी गई हैं। आपका जो भी नियरेस्ट हुंडई का शोरूम है वहाँ जाके विजिट करें। फ्रेंड्स, जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और चेंज किया है आज, क्योंकि न्यू वरना की लॉन्चिंग थी तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत काम था, बहुत कस्टमर विजिट थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि कल फास्ट है, नवरात्रि स्टार्ट है, तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँ और खा लूँ। तो बस अभी जाना है, मॉर्निंग के बर्तन भी सारे रखे हुए हैं साफ़ करने के लिए, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। 8:30 बजे चुका है, 8 बजे मैं घर पहुंची हूँ, उसके बाद में थोड़ा चेंज वेंज किया, 8:30 बज गया है, देखती हूँ खाने का। सो मेरी और मनोजी की लड़ाई हो गई है, और मतलब लड़ाई क्या कह सकते हैं, ऐसे गुस्सा गुस्सी हो गई है, तो हम दोनों लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस कमरे में हूँ, वो उधर वाले कमरे में है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि खाना बनाने के लिए, अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। भाई ठीक है, नहीं बोल रहे हैं, मैं भी नहीं बनाऊँगी, वो भी नहीं बनाएंगे, उनका भी कल फास्ट है, मेरा भी कल फास्ट है, आज ही से फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ मटे? बात मत करो मुझसे यार, तुम काहे गुस्सा में, मैं खाना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, अब तो मेरे से गुस्सा ही हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दुकान से आया हूँ, कपड़े तक चेंज नहीं किया हूँ, बस लग गया हूँ खाना बनाने पे, और सब गुस्सा ही मेरे से। अगर आप खाना बना दोगे ना, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने मुझसे कहा वो मैं भूल जाऊंगी, समझ आया? पतियों की यही तो प्रॉब्लम होती है, पहले गुस्से में बोल देते हैं, उसके बाद में उनको याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने क्या कहा, मतलब हमको बुरा भी लगे और हम याद भी दिलाएं कि कहा क्या है। सो पति देव ने तहरी बना दी है, गुस्सा हो गई थी तो बनी गई तहरी जैसे तैसे। और पहली बार पतिदेव ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
ये तहरी में इन्होंने बैंगन डाला है, ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बैंगन है। तहरी में बैंगन कौन डालता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके यहाँ तहरी में बैंगन पड़ता है। ये तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है एक्चुअली। इन्होंने मुझसे बहुत समय बात हो नहीं रही थी, इन्होंने सोचा होगा जो फ्रिज में सब्जियां रखी हैं वो डाल देंगे, तो फ्रिज में ज़्यादा कुछ सब्जियां थी नहीं, मैं लाई नहीं कि अभी कल तो फास रहना है, परसों लेकर आऊँगी, फालतू में रखी रहेंगी और मार्केट भी हो जाएगा कल जो है, मंडी लगेगी। तो इनको बैंगन दिखा होगा क्योंकि बैंगन पहले का रखा हुआ था और इन्होंने तहरी में बैंगन भी डाल दिया। वाह महान महान लोग, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मे भी अच्छा लगे, मैं खाऊंगी तब बताऊंगी कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।